हेलो दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर भाई साहब आपने ये टाइटल देखे ये थमलेल देखे वीडियो पे क्लिक तो कर दिया पहले तो भाई लाइक करना है आपको ठीक है एंड आपको अपना सजेशन अपना थॉट बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर मी हैज़ द न्यू सीजन ऑफ आई एस इज़ कमिंग एंड ऊपर से बहुत सारे बातें हो रहे हैं एफ को लेके बहुत सारी बातें और ए आई को लेके एंड और एक चीज़ है जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना अगर आपको ये वीडियो को सही में समझना है तो श्योरली भाई अंत तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को तो भाई स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की इस वीडियो का वो है कि हम लोग क्यों इंडियन फुटबॉल क्लब्स को इग्नोर कर रहे हैं देखो यार मैं चाहता हूँ आप प्रीमियर लीग देखो सीरिया ये देखो बुंडस लीगा देखो हाँ ठीक है वो लीग जो है टॉप क्लास लीग्स हैं वर्ल्ड क्लास लीग से उसका पेस उसका फुटबॉल सब कुछ इंडियन फुटबॉल से अलग है इवन आई वॉच दैट आई एम आई एवरी सपोर्टर ऑफ मैचेस्टर यूनाइटेड आप सबको पता होगा एवरी लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करते हैं बट सीरियसली इन दैट आई डोंट इग्नोर द इंडियन फुटबॉल क्लब्स वी नीड टू सपोर्ट देम इक्वली क्योंकि हम लोग बार, बार बार बात करते हैं भाई कि इंडियन सुपर लीग के क्लब जो हैं क्यों रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे क्यों बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इंडियन सुपर लीग के क्लब्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे क्यों वो फायदेमंद नहीं है क्यों कुछ क्लब्स बंद करके चले जाना चाहते हैं क्यों कुछ क्लब्स प्लेयर्स नहीं ले पाते ऑन टाइम क्यों कुछ क्लब्स जो है अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दे पाते ऑन टाइम वाई इज दैट सीरियसली इज दैट क्या आप सबको पता है यहाँ पर एंड पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ आपको इंडियन फुटबॉल के जो क्लब्स हैं स्पेशली इंडियन सुपर लीग में वो लोग घाटे में चल रहे हैं कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं सीरियसली खैरात पे चल रहे हैं ऑफ़ बिग ओनर्स ऑफ पैशनट ओनर्स तो भाई पहली बात एज ए इंडियन फुटबॉल फैन हम क्या कर सकते हैं ये पैशनेट फुटबॉल ओनर्स को हमको बैक करना चाहिए वॉट वी कैन डू इज वॉच द मैच भाई ये जो टीम्स है ना ये आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई लोग इनको बैक करो सीरियसली बैक करो समझो आप वेस्ट बंगाल से आते हो आप ईस्ट बंगाल के फैन हो या मोहन बगान के फैन हो रियलिटी में किसी की भी हो यू हैव टू बैक देम यू हैव टू वॉच ऑल द मैचेस अगर आप जाके टिकट लेके खरीद के देख सकते हो देख लो नहीं देख सकते घर बैठ के इस मैच का आनंद उठाओ व्यवरशिप बूस्ट हो जाएगी उस चीज से भाई बहुत लोगों को मैं देखता हूँ यार बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वैन आई एम टॉकिंग ऑन लाइव या फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार लास्ट टाइम आउट वैन आई इज डूइंग इंडियन सुपर लीग स्ट्रीम्स तब बोल रहे हैं भाई वॉट आर यू वॉचिंग वाई आर यू वॉचिंग वॉस्ट अप लीग्स वैट सीरियसली इंडियन पीपल सेंग दिस मेक्स मी रियली एंग्री एंड वेन दिस क्वेश्चन आर आस्ड की बाई द सेम पीपल दैट वाई इंडियन फुटबॉल इज नॉट ग्रोइंग भाई एक चमाट लगाने का मन करता है सीरियसली यू वॉन्ट टू वॉच इंग्लिश प्रीमियर लीग ओवर आएस एल एन देन यू आर आस्किंग वि क्वेश्चन की वाई इंडियन फुटबॉल इज नॉट ग्रोइंग सीरियसली ग्रो सम बॉल्स वॉच इंडियन फुटबॉल देन यू विल हैव एन आइडिया की भाई इंडियन सुपर लीग क्यों आगे नहीं बढ़ रही क्यों इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रहा सीरियसली यू हैव नो राइट टू आस दिस क्वेश्चन भाई आप इंडियन फुटबॉल के इको सिस्टम के हिस्सा हो बट यू डोंट वॉन्ट टू बिस्सा ऑफ दैट यू डोंट वॉन्ट बार्ट ऑफ दट आई मीन सीरियसली सीरियसली भाई आई आई डोंट अंडरस्टैंड थोड़े लोगों की मैंटालिटी जो है मुझे मुझे कभी समझ में नहीं है ना मेरे पल्ले पड़ी है अभी देखो यहाँ पे एक सीन बताता हूँ मैं फिलहाल ये टॉपिक को मैंने क्यों चूज किया क्योंकि बहुत लोग जो है वो एस को गाली देते हैं बहुत लोग जो है बोलते हैं कि स्टार स्पोर्ट जो है यार एनालिसिस का शो रखता नहीं है ये इवन ईवन मी आई टू से दैट इवन आई से दैट राइट तो भाई सीन क्या है पता है एफ का भाई जब कोई नहीं था इंडियन फुटबॉल के लिए तभी एफ आया एफ क्या है एफ जो है फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है ये सिस्टर कंपनी ऑफ रिलायंस रिलायंस के सिक्सटी ऑफ शेयर हैं इसमें स्टार स्पोर्ट्स एज ए ब्रॉडकास्टर इसमें थर्टी फाइव परसेंट शेयर रख रहा है ठीक है तो इनके इतने सब शेयर हैं यहाँ पे दट्स वाई स्पोर्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट लेके इंडियन सुपर लीग को दिखाता अपने चैनल पर नो एना शो नथिंग बाई प्लेन फुटबॉल देखो एन्जॉय करो थोड़ी सी कॉमेट्री सुनो बांध खत्म सलामकम बट हाँ अगर आप देखो अभी का सिनारियो क्या चल रहा है क्योंकि कल्याण चौबेसर की अब एक इंटरव्यू आई उसमें उन्होंने बताया कि भाई एफ को ही हम लोग आगे लेके जाएंगे तो इसके वजह से बहुत सारे फैंस कन्फ्यूज है कि भाई जो एफ हमको मदद नहीं कर पा रहा ग्रोथ में या फिर कुछ किसी में भी तो भाई उसी को क्यों आगे लेके जाना है आपको तो यहां पे मैं कैच बताता हूं क्या सीन एक्टली नाउ एफ एफ इज प्लानिंग टू रेस द रेवेन्यू फाइव हंड्रेड परसेंटिल ट्वेंटी मतलब दो हजार छब्बीस तक एफ एफ जो है यहां पे पांच सौ परसेंट ऑफ रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है अगर आप मैथमेटिकली देखो तो थोड़ा सा इंपॉसिबल लगेगा आपको फैक्ट सही है इंपॉसिबल लगेगा क्यों क्योंकि एफ एस डी एल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा दो हजार पच्चीस में अभी तो मेजर जो कमर्शियल राइट्स है वो एफ ही ओन करता है ना तो मेजर पैसे जो है जहाँ से मेन रेवेन्यू आता है वो सब एफ को जा रहा है ए को नहीं जा रहा ना तो ये कैसे पाए फाइव हंड्रेड परसेंट यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है ना समझने के लिए तो यहाँ पे एक और सिनारियो समझा देता हूँ मैं आप थर्टी फाइव परसेंट ऑफ शेयर्स हैं स्टार स्पोर्ट्स के अगर ये बाय करता है रिलायंस वापस और ये दे देता है स्पोर्ट्स एटीन को मतलब इफ दे ब्रिंग इन स्पोर्ट्स एटीन हैज द न्यू ब्रॉडकास्टर थ्रू ओपन मार्केट बिड हाँ थ्रू ओपन मार्केट बिड तभी कुछ चांस है कि भाई रेवेन्यू जो है रेवेन्यू का मॉडल जो है वो ग्रो कर जाए और यहाँ पे आई के क्लब्स को बेनिफिट मिल जाए ए को बेनिफिट मिल जाए जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये जो क्लब्स है वो सस्टेन कर जाए सीरियसली एंड लेट मी टेल यू अगेन भाई अगर ये होगा भी तो भी यहाँ पे आपका बहुत बड़ा योगदान होगा आपको मैचेस देखने पड़ेंगे अपने स्टेट टीम के मैचेस देखने पड़ेंगे आपके फेवरेट क्लब्स बनाने पड़ेंगे आपको इक्वली सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि आप भी इस इकोटिसम के हिस्सा हो अगर आप ये नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से भाई आपको कोई हक नहीं है इंडियन फुटबॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछने का एफ को क्वेश्चन पूछने का कोई भी चैनल को क्वेश्चन पूछने का बिकॉज यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूअर्ड्स इंडियन फुटबॉल दैट्स प्लेन एंड सिंपल हैज दैट भाई आई नो आई माइट बी हार्श आई माइट साउंड हार्श बट दैट इज द फैक्ट सब कुछ पढ़ने के बाद पूरे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद रियलिटी पढ़ने के बाद भाई आंख तो खुली गए सीरियसली आंख खुल गए और इवन वी आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर क्लब को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हम लोग मैचेस नहीं देख पा रहे हमारे खुद के कंट्री के मैचेस नहीं देख रहे जहाँ पे हमारे क्लब्स खेल रहे हैं वहाँ पर हम लोग नहीं देख पा रहे दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फुटबॉल भाई सीरियसली कोई भी यहाँ पर राइट्स क्यों नहीं खरीदता इंडियन फुटबॉल के कोई भी न्यूज़ चैनल इंडियन फुटबॉल के बारे में क्यों नहीं दिखाता है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं भाई देखने के लिए किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है हाँ अभी इंडियन फुटबॉल ने बैक टू बैक तीन टूर्नामेंट जीते सबको इंटरेस्ट आया बहुत ही बढ़िया है अभी हमको यहाँ से सस्टेन करना पड़ेगा यहाँ से बेहतर फुटबॉल खेलना पड़ेगा यहाँ से अच्छे क्या बोलते स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी यहाँ से फुटबॉल को एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाना पड़ेगा तभी हम ये रेवेन्यू मॉडल को आगे तक जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर हमको बिल्ड करना पड़ेगा तो यहाँ से आगे फायदा ही फायदा होता रहेगा अगर हम लोग नहीं करते इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो भाई हमारा कोई भी फायदा नहीं फिर सीरियसली वी आर अगेन गोइंग इन द डार्क बट ये वाली प्रॉब्लम है तो भाई लोग डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बी द ऑफ द प्रॉब्लम पे आप सबको श्योरली देखो आई नो इट्स इट्स काइंड ऑफ समटाइम्स बोरिंग आई आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बट यू हैव टू सपोर्ट मैन अगर आप इंडियन फुटबॉल को ग्रो होता दिखना चाहते हो तो आपको इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना पड़ेगा क्लब लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट अफेयर पे और सबसे बड़ी बात भाई सबसे बड़ी बात यहां पे यू हैव टू क्वेश्चंस टू योर स्टेट अथॉरिटीज स्टेट फुटबॉल फेडरेशन क्योंकि जब तक आप स्टेट फुटबॉल फेडरेशन को क्वेश्चन नहीं पूछते रहोगे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल फेडरेशन को नो क्वेश्चन पूछते नहीं रहोगे तब तक आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट में कुछ काम नहीं होने वाला भाई आजकल देखो धनराज भाई का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है एंड ज़्यादा चर्चों चर्चों में या फिर सुर्खियों में है क्योंकि भाई वो बंदे ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे वो प्लेयर को बुला के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो करने के बजाय एक यूट्यूबर को जो इंडिया के फुटबॉल को आगे लेके जाना चाहता है उसको धमकी दे रहे हैं फैंस की हाँ सीरियसली यार सीरियसली इतने गिरे हुए फुटबॉल फेडरेशन हम पाल रहे हैं ए एफ एफ हैज टू लुक इन दैट एंड लाइक आई सेड भाई हमको क्वेश्चन पूछते रहना है भाई एंड तक क्वेश्चन पूछते रहना है कि का रियालिटी में क्या काम हो रहा है सीरियसली बेबी के लीग्स में क्या काम हो रहा है ग्रास रूट पर डेवलपमेंट कैसा चल रहा है ये कैसा है वो कैसा है सब के क्वेश्चन पूछते रहने पड़ेंगे भाई तो ऐसे ही क्वेश्चन हम भी पूछते हैं हम ट्विटर पर पूछते हैं तो भाई हमको आप फॉलो करना ट्विटर पर ट्विटर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये जो हैश टैग आजकल चल रहा है भाई इसको वायरल करो इस हैश को बार बार रिपीट करो जब भी इंडियन फुटबॉल की आप बात कर रहे हो ये हैशटैग को आप नीचे लगाओ एंड बात करो इसी मैसेज पे आज का ये वीडियो खत्म करते हैं आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट ये रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल जो आपको समझनी है सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस आई होप आपको एक मैसेज क्लियर पहुंचा होगा जरूर अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना भाई लोग नीचे कमेंट्स में आपके थॉट्स भी लिख देना तो आंटिल नेक्स्ट टाइम भाई जय हिंद और जय भारत